अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो लैब एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तस्वीर की बैकग्राउंड को कैसे ट्रांसफ़रट कर सकते हैं, आप अपनी तस्वीर को कैसे PNG कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत आसान सी ट्रिक है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक ऐप की ज़रूरत होगी जो कि हम हमेशा की तरह प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सर्च बार में आपने लिखना है पिक्सल लैब, ठीक हो गया दोस्तों। टेक्स्ट ऑन पिक्चर पिक्सल लैब दोस्तों, आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, 4.3 इसकी रेटिंग है, 172K इसके रिव्यू हो चुके हैं और 10 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो करना क्या, हमने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का जो है आपके सामने इसका फेस बन जाएगा इस ऐप का, ठीक हो गया दोस्तों। और करना क्या है, यहाँ आपने इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने टैप करना है यहाँ सेंटर डॉट पे। तो यहाँ से आपने करना क्या है, एक तस्वीर इम्पोर्ट करनी है जिसको आपने ट्रांसफ्रेट करना है। तो दोस्तों, ये ऐप सिर्फ जिसकी तस्वीर की बैकग्राउंड वाइट है उस पर वर्क करेगी। तो कोशिश करनी है कि जो आपकी तस्वीर है उसकी बैकग्राउंड वाइट हो, तो ये बहुत आसानी से वर्क करेगी और जस्ट एक टैप पर। अब आप क्या करना, अरेज कलर, ठीक हो गया दोस्तों, यानी कि आप इसके कलर को अरेज करना चाहते हैं। मैंने इस पर टैप करना है, जैसे ही आपने इसको ऑन करना है तो इसकी जो बैकग्राउंड का कलर था वो अरेज हो गया। दोस्तों, ये वो कलर था जो इस तस्वीर की बैकग्राउंड पर नज़र आ रहा था, लेकिन जो इस ऐप का बैकग्राउंड पर कलर नज़र आ रहा है आपने उसको भी अरेंज करना है। तो आपने वो कैसे करना है, आपने ट्रांसपेरेंट पे टैप करना है। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट पे टैप करेंगे तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप इस तस्वीर को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और इसे सेव करना है, सेव इमेज, सेव टू गैलरी, और ये हमारी तस्वीर है वो गैलरी में सेव हो गई है। तो दोस्तों, इस तरह बहुत आसानी के साथ आप किसी भी तस्वीर की बैकग्राउंड को ट्रांसफ्रेट यानी कि PNG कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जो तस्वीर हमने ट्रांसफ्रेट की है, पिक्सल लैब में आए तो आप देख सकते हैं पिक्सल लैब में आए कि ये वही तस्वीर है जिसको हमने ट्रांसफ्रेट किया था। तो दोस्तों, इस तरह बहुत आसानी के साथ किसी भी तस्वीर की बैकग्राउंड को ट्रांसफ्रेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द चाहता हूँ लेकिन आप वीडियो में